हमारे वेबिनार्स में या जब लोग फोन कॉल करते हैं तो काफ़ी लोगों का ये सवाल रहता है कि सर ओवरथिंकिंग कैसे कम करना। बहुत ज़्यादा सोचते इतना सोचते हैं कि सोच सोच के थक जाते हैं और तभी भी वो सोचना बंद होता नहीं। तो इसका करना क्या है? हम बोलते हैं कि भाई ठीक है आपको तुरंत इलाज चाहिए, बोलते हाँ, तो बोले फिर ऐसा करो मेडिसिन ले लो, दवाई लेंगे तो आपको तुरंत थिंकिंग के ऊपर कंट्रोल मिलेगा, मगर वो टेम्पररी है, उसी दिन भी आएगी। हमको क्या करना होगा? हमको नेचुरली काउंसिलिंग से या साइकोथेरेपी से या हिप्नोथेरेपी से ओवरथिंकिंग कैसे समाप्त करना ये देखना होगा, ताकि गोलियों का साइड इफेक्ट नहीं होगा, गोलियां दिन भर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो ओवरथिंकिंग करता है वो छोटी छोटी बात के ऊपर बहुत ज़्यादा थिंकिंग करता है। मतलब बच्चा घर में नहीं आया, उसने बोला था मैं 7 बजे आऊँगा, आपका 12 साल का लड़का है, 7 बजे ट्यूशन समाप्त करके घर पर आऊँगा ऐसा बोला था, और वो 7 बजे नहीं आया, तो इनके विचार इतने चालू हो जाते हैं कि बीच में क्या हुआ होगा, एक्सीडेंट हो गया क्या, कहीं हॉस्पिटल में भर्ती तो नहीं किया, मास्टर साहब ने उसको पनिशमेंट तो नहीं दिया, फिर वो कहीं कुछ कम ज़्यादा तो नहीं किया, सवेरे मैंने उसको बहुत चिल्लाया था, गुस्सा किया था, फिर वो उसका दोस्त जो है उसने सुसाइड किया था, ये तो सुसाइड नहीं करेगा, ये घर छोड़ के तो नहीं जाएंगे, चालू 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 है। यदि मैं ये जो है लेसन मेरे जो है क्लास के समझो मैंने लेसन अटेंड नहीं किया तो मेरा ये पार्ट जो है ये डूब जाएगा, या मतलब ये मैं सीख नहीं पाऊंगा या पाऊंगी तो फिर उसका कैसा होगा, फिर यदि सीख नहीं पाएंगे तो मैं तो बहुत ही वीक रहूंगी या रहूंगा वो उसमें, फिर यदि मैं वीक रहूंगा तो फिर एग्ज़ाम में कैसा होगा, मुझे कम मार्क मिलेंगे, कम मार्क मिलेंगे तो मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेंगे, फिर एडमिशन नहीं मिलेंगे तो फिर कैसा होगा, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, अब मैं क्या करूँ, चालू एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे कनेक्टेड थाट्स चालू है चालू है चालू है और सब चिंता वाले। फिर उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, उसके ऐसा बोलने का मतलब ये है कि वो मुझे चाहता नहीं है, वो चाहता क्यों नहीं है, आजकल उसने चाहत जो है वो बंद कर दिया है, क्यों उसका और कहीं ख्याल निकल गया है क्या मेरे ऊपर से, विचार हो गया। तो अभी ये जो है ये सब जो है ये प्रॉब्लम्स के बारे में थिंकिंग है, फ्यूचर के बारे में चिंता करना है उसके बारे में थिंकिंग है, और इस तरह के लोग जो है वो सिर्फ थिंकिंग ही करते रहते हैं और उनको सब जगह प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स दिखते रहते हैं। जब आप एक के पीछे एक अपने आप को सवाल करते जाएंगे तो फिर क्या होगा, नॉन स्टॉप थिंकिंग ही चालू रहेगा। यदि हम ये आदत ब्रेक करते हैं सवाल पूछने की या सवालों में विचार करने की, उसके बदले जवाबों में विचार करते हैं, सॉल्यूशंस, कि ठीक है बच्चा लेट हो गया तो क्या होगा, अपन फोन करके देखेंगे, मास्टर साहब को पूछ लेंगे कि भाई अपना क्लास बराबर छूटा क्या, फिर ये कहीं गया है क्या, कहाँ कहाँ जाता है, तो फिर मैं वहाँ मतलब कॉल करके पूछ सकता हूँ क्या कि भाई वो मेरा बेटा वहाँ है क्या, ये ठीक है उसको अकेला मैंने बोला था कि आ जाओ करके तो वो कहीं एक्सीडेंट हो गया होगा, तो ठीक है मैं उसका पता लगाऊंगा कि एक्सीडेंट हुआ है क्या क्या, मतलब मैं सॉल्यूशंस ढूंढूंगा रादर देन सिर्फ विचार करना है, चिंता करते बैठना है। यदि मेरा क्लास डूब गया तो फिर मैं जो पोर्शन मेरा डूब गया है या नहीं हुआ है उसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे दोस्त से नोट्स ले सकता हूँ क्या, मैं गूगल पे जाके सर्च कर सकता हूँ क्या, मैं सर को कॉल करके नोट्स बुला सकता हूँ क्या, मैं उसका वीडियो देख सकता हूँ, यूट्यूब पे जा सकता हूँ क्या, मैं कर सकता हूँ ताकि मुझे जो सवाल आया है उसका मैं सॉल्यूशन ढूंढ सकूँ। तो ये जो थिंकिंग है ये थिंकिंग आपको करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग। सो व्हाट, व्हाट सो एंड व्हाट नेक्स्ट, सो व्हाट मतलब ऐसा हुआ तो हुआ यार, तो क्या हुआ, ठीक है ना, वो काय के बारे में हुआ, व्हाट सो इज जो हुआ वो हुआ, ठीक है व्हाट सो, तो जो हुआ वो हुआ, व्हाट सो ठीक है वो हुआ है, उसको एक्नॉलेज करो कि ऐसा हुआ है, ये प्रॉब्लम आया हुआ है, ये एक्सीडेंट हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, पैसा गुम गया है, लॉस आया हुआ है, व्हाट सो। दूसरा आता है कि सो व्हाट काफी लोगों का पैसा जाता है, काफी लोगों को बीमारियां आती, काफी लोगों के बच्चे मर जाते, जो भी कुछ होता है सब अपने से कई गुना ज्यादा लोगों को लॉसेस आते हैं, लोगों के जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं कई गुना ज्यादा, सो व्हाट। और तीसरा सवाल है व्हाट नेक्स्ट, तो ठीक है अभी मैं नेक्स्ट क्या कर सकता हूँ, अभी मैंने क्या करना चाहिए, व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट इज द आंसर। तो ये देख इस तरह से आप सोचेंगे तो डेफिनेटली आपका ओवर थिंकिंग कम हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो। हमारे यहाँ ऑनलाइन कंसल्टेशन होता है, लोग ऑनलाइन कॉल्स, वीडियो कॉल्स, ऑडियो कॉल्स करते हैं, नंबर नीचे दिए हुए हैं, आपको कोई भी कहीं भी अटक गए होंगे तो डेफिनेटली मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच।